जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के कुल 5 अध्याय हैं, जिनका श्रवण करने से मनुष्य के सभी कष्ट मिट जाते हैं। आइए सुनते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय की बात है, नैसिरण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग की इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। नारद की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख और सुख को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने, साथ ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हो वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का विष धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ, यदि आपका इस उपाय का कोई हल जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान
मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण का व्रत करूंगा और फिर अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की, व्रत रखा। इस व्रत के करने के कुछ दिन बाद उसके सभी दुख और कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते एक दिन वह संपन्न और अनेकों संपत्तियों का मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वह ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूजी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चढ़ अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया, जहां उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 3रा अध्याय। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताएं। राजा बोले, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी।
राजा शिवव्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। यह एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक घर में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। दसवें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर रही लड़की के सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपने पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया, जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांध कर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों ने हम पकड़ लिए हैं, अब आप आगे की कार्यवाही कीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापिस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापिस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उसे दूना धन वापिस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय। सुजी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की
और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक डंडी बेस्तहारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवारी बड़ी खस्ता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैसे के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसे वचन कर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देख कर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि दे वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश में आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाए, यह डंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ की ऐसी वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डुबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसा ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वो वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करने लगा। इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लिन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख किया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों की भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत
उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जाकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानो अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। तब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि का झुककर प्रणाम किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।